दरभंगा राज्य का राजा अर्जुन सेन, मंत्री दामोदर। राजा तो राजा थे ही, लेकिन मंत्री के बातों के अनुसार राज्य चलता था। अचानक राजा बहुत तकलीफ हो रही है कविराज, बहुत तकलीफ हो रही है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, वे राज आ रहे हैं। ये तो बहुत सोचने की बात है, ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसका इलाज मेरे पास नहीं तो क्या होगा? ये बात राज्य में फैला दीजिए, जो महाराज को ठीक कर देगा उसे इनाम मिलेगा। ठीक है। वेद जी की बातों के अनुसार मंत्री ये समाचार पूरे राज्य में भेज दिया। राज्य के सभी प्रजा इनाम की बातें सुनकर सोचने लगे, और ये बातें पास के राज्य में भी फैल गई। वेदराज कुछ सुन ले है? क्या हुआ बताओ? उसके राज्य का राजा अर्जुन सिंह बहुत बीमार है, उनका जो इलाज कर पाएगा उसे इनाम स्वरूप पुरस्कार मिलेगा। आप यहाँ बैठ के समय नष्ट ना करें, जल्दी जाइए जाकर देखिए महाराज का इलाज कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, आप जब इतना कह रहे हैं तो हम जाएंगे। कब जाएंगे? कल सुबह सुबह ही। दिखाइए महाराज अपना हाथ, अपना आंख दिखाइए। क्या हुआ वेदराज? मैं बचूंगा कि नहीं? हाँ, अब जरूर ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आप आपको मेरे निर्देश के अनुसार चलना होगा। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। आप बता सकते हैं क्या तकलीफ है मुझे? कर्क रोग है आपको। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह फिर मैं आऊंगा, कुछ दवाइयां भी साथ में ले आऊंगा आपके लिए। महाराज आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, इसमें आपके लिए दवाई है। आप धूप में खड़े होकर इस गधे को लेकर कसरत कीजिएगा, और तब तक कीजिएगा जब तक आपका पसीना ना निकल जाए। पसीना निकल जाने के बाद ठंडे पानी से नहाकर खाना खाकर सो जाइएगा। बस बस मतलब? मतलब राजा जब सो के उठेंगे तब उनका रोग मुक्त हो जाएगा। मैं अगले दिन फिर आऊंगा, अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। बोलिए महाराज, अभी आपका तबीयत ठीक है ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। ये लीजिए आपका इनाम, ये लीजिए इनाम स्वीकार कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आज से आप मेरे मित्र जैसे हैं। देखते ही देखते राजा और वेद का मित्रता बढ़ता गया। ये देखकर मंत्री सोचने लगा कि राज्य मेरे हाथ से गया। ईर्ष्या में राजा से वो कहने लगा, महाराज एक मामूली वेद से आपका मिलना ठीक नहीं है। क्यों? दूसरे राज्य के वेद कौन कह सकता है कि वो अच्छा व्यक्ति है? बोलिए। मतलब? मतलब यह है कि वो आपके राज्य को हड़पने की कोशिश कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा इलाज किया है मंत्री जी। वो आपका इलाज किया है तो क्या हुआ? हो सके आप अंदर से ठीक ना हो। आप क्या चाहते हैं? उसे मृत्यु दंड दीजिए। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। वेदराज तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। क्यों महाराज? मैं सोच के देखा हूँ कि तुम एक परदेसी हो, तुम मेरा मित्र बनकर मेरे राज्य का गुप्त समाचार जान गए हो, जो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए दंड है। जल्लाद
इसे मृत्यु भूमि में ले जाओ। उससे पहले महाराज मेरा एक आखिरी ख्वाहिश है। तो बताओ क्या है ख्वाहिश? महाराज जब जल्लद मुझे ले जाएगा तब आप मेरे घर जाइएगा। वहाँ एक पुस्तक है, उस पुस्तक के छठे पेज में देखिएगा एक सुंदर कविता की रचना किया गया है महाराज। हाँ वही होगा। चलो जल्लद। महाराज चलिए वैद के घर चलते हैं। हाँ चलो। महाराज ये रहा वो पुस्तक। देखो पन्ने चिपके हुए हैं। ये रहा वो कविता। विश्वासघात का सजा सिर्फ मृत्यु है। इसका मतलब इसका मतलब इस पन्ने में विष था। महाराज राजवेद। महाराज एक वेद का काम होता है जीवन बचाना। वेद राज राजा का जीवन हरण किए है। ये ठीक है महाराज? वेताल राजा उस वेद को अपना मित्र माना था। एक मित्र का कर्तव्य होता है मित्र का जीवन भर साथ देना, लेकिन राजा ऐसा नहीं किया है, इसलिए वेद भी ठीक किया है बेताल। आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शहर में एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है। उन किडनैपरों का ये शर्त है कि जल्द से जल्द मंगल पांडे को जेल से रिहा कर दिया जाए, वरना वो लोग उस स्कूल बस को बम से उड़ा देंगे। अरे यार ये तो बहुत डेंजर हादसा है। अरे हाँ टप्पू, लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम भी तो ठीक बोल रहे हो, चल कर पहले घटना को देखते हैं। हाँ तो चलो चल कर उसको देखते हैं। अरे वो देख देख मंगल पांडे, पुलिस उसको पकड़ कर कहाँ ले जा रहा है देखो तो। हाँ चलो उससे चलकर पूछते हैं हम लोग। पुलिस अंकल ये मंगल पांडे को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम लोग खबर नहीं सुने हो क्या? एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है मंगल पांडे को आजाद करने के लिए। हाँ हाँ हम लोग खबर देखे हैं। स्कूल बस को छुड़ाने के लिए ऊपर से आदेश आया है कि मंगल पांडे को आजाद कर दिया जाए, और इसीलिए मंगल पांडे को लेके जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब। लेकिन कोई मुसीबत अगर आ गया तो क्या करोगे टब्बू? कुछ नहीं होगा गब्बू, जल्दी से वो चीज लेकर आ। अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। ये देख मैं ले आया। वाह बहुत अच्छा किया, चलो चलो हमारे साथ, अब उनको चलकर हम लोग सबक सिखाएंगे। चलो चल ठीक है तब चलो चलते हैं। ये देखो मैं मंगल पांडे को ले आया। ठीक है आप हमारे सरदार को छोड़ दो। हाँ हाँ हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों को छोड़कर तुम लोग दूर उस पेड़ के पास चले जाओ। हाँ ठीक है बच्चों, अभी तुम लोग जाओ, बच्चों को छोड़ दे, अभी हमारा सरदार को छोड़ो। हाँ ठीक है तो ये लो। एक ये तो हमारा सरदार नहीं है, ये तो खेतों का पुतला है।
तुम लोग बंदूक कैसे चलाओगे? तुम लोग का बंदूक तो टेढ़ा हो चुका है। ये क्या हो गया? हाँ बंदूक कैसे चलेगा? हाँ कैसे? एक है गोली चलाने से खुद अपना लग जाएगा। हैंड्स अप। चलाकी करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग सिलेंडर कर देते हैं। जैसे सबका शुरुआत होता है वैसे ही अंत होता है। सुख शांति और खुशियाँ इतना काफी नहीं है। फटीक मन्नू के मामा कुछ दिन उनके घर पे रहे। वो कुछ दिन हंसी खुशी गुजरा। लेकिन एक दिन सोच रहा हूँ कल शहर चला जाओ। ये क्या, अभी तो आए हैं भैया, कुछ दिन और रहिए भैया। नहीं बहुत दिन रह लिया मैं। घर पे तुम्हारी भाभी है, दो बच्चे है, जाना तो होगा ही। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, शहर के स्कूल में। तुम्हारे दोनों बच्चे ठीक से पढ़ते हैं? हाँ लेकिन फटीक। क्यों फटीक क्या करता है? मन्नू पढ़ने लिखने में सही है लेकिन फटीक के बारे में सुनिएगा तो गुस्सा आएगा आपको। तो फटीक को मैं अपने साथ शहर ले जाऊँ? अगर तुम्हारा फटीक जाना चाहे तो उसे ले जाऊँगा। नहीं भैया, इसमें ना जाने की क्या बात है। क्यों फटीक जाएगा तू? कहाँ, मामा के साथ शहर, ट्रेन गाड़ी बहुत सारा चीज देखेगा। हाँ जाऊँगा, मुझे गाड़ी पे बिठाइएगा, घोड़ा पे बिठाइएगा, बोलिए सब दिखाइएगा। हाँ हाँ दिखाऊंगा, गाड़ी पर बैठाऊंगा, घोड़े पर चढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी माँ की बात सुनना होगा। क्या बात माँ? तुम्हारे मामा शहर के स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा देंगे, तुम मन लगा के पढ़ाई लिखाई करना। ठीक है? ठीक है, लेकिन कब जाएंगे शहर माँ? कल सुबह ही। शहर जाने की खुशी में फटीक रात भर सोया नहीं, शहर जाने के बारे में सोचते रहा। अगले दिन सुबह सुबह ही फटीक अपने मामा से जाकर पूछा, मामा खा पी के हम लोग निकलेंगे? हाँ मामा, शहर क्या यहाँ से नाव में जाना होगा? पहले थोड़ा दूर नाव में, उसके बाद स्टीमर में। फटीक तू मुझे छोड़कर अकेले शहर जा रहा है, तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? धन आप मुझे सिर्फ मारते हैं डांटते हैं, मैं तो शहर चला जाऊंगा तो आप मुझे डांट नहीं पाइएगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। कब आएगा इस लड़के को अकल? देखते ही देखते शहर जाने का समय आ गया। मन्नू अब मैं शहर जा रहा हूँ, मैं अपना सारा खिलौना घोड़ा गाड़ी सब तुझे दे के जा रहा हूँ। भैया चलता हूँ बहन। माँ जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जय माता रानी। फटीक अपने मामा के साथ शहर के लिए रवाना हो गया। स्टीमर में चलते चलते देखा एक विचित्र दृश्य। एक पाँव आगे बढ़े ना, दो पाँव आगे बढ़े ना, तीन पाँव आगे बढ़े ना। मामा ये क्या कर रहे हैं? पानी नाप रहे हैं। मामा शहर कब पहुँचेंगे? पहुँचने वाले हैं, थोड़ा और देर। उनका यात्रा खत्म हुआ, वो लोग पहुँच गए शहर। फटीक का मामा फटीक को लेकर अपने घर गए। घर पहुँचने के बाद घटा घटना बहुत सा। आज बस यही तक, बाकी का घटना बाद में।
आकाशवाणी रेडियो आज का खबर पढ़ रहा है संजीव राठौर। आज का विशेष समाचार यह है, हमारे देश के दो फाइटर, शत्रु पक्ष के दो फाइटर प्लेन को भगाकर बनगांव बॉर्डर पर तहस नहस कर दिया गया है। यह लेकर 12 शत्रु फाइटर प्लेन को तहस नहस कर दिए हैं। अपने देश के जवानों में से 4 जवान इस ऑपरेशन में अपने प्राण गंवा बैठे। हमारे देश के जवान शत्रु पक्ष के अड्डों पे घुसपैठ किए और अंत तक वापस आ गए। शत्रु पक्ष के बैटन टैंक के कारण वापस आ गए। पृथ्वी के टेक्नोलॉजी जानने वाला देश हमारे शत्रु को बैटन टैंक देकर उसका सहायता किया है। हमारे देश में ऐसे पैटर्न टैंक नहीं रखने के लिए न जाने कितने जवान शहीद हो गए। बिच्छू, तुम्हें क्या लगता है दुश्मनों के पास जो पैटर्न टैंक है उसके वजह से हम लोग क्या हार जाएंगे? अरे नहीं रे, इतना आसान है क्या? अरे तू जानता नहीं, हम लोगों ने उसके 2 प्लेन पहले ही उड़ा दिया। आओ आओ, तो चिंता मत कर। अरे नहीं यार, अरे मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। एक काम करते हैं, हम भट्टू भैया के पास जाकर बात करते हैं। आओ, बिल्कुल ठीक बोला है। एक काम कर, अच्छा बात याद दिलाया है, जल्दी चलो भट्टू भैया के पास जाकर बात करते हैं, उनसे कुछ आइडिया मिल जाएगा। आओ। आओ भट्टू भैया, आओ भट्टू भैया, भट्टू भैया आओ। भट्टू भाई, बाटलू भैया, बाटलू भैया, आ बाटलू भैया, ओ बाटलू भैया, आज का खबर सुने हो? सुना है एक पैटर्न टैंक आया है जो हम लोगों के जवानों को फटाफट मार कर गिरा दे रहा है। आओ और ढिचकियाँ ढिचकियाँ करके तारे जवानों को गिरा दे रहा है। आओ। अरे ऐसा क्या है? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अरे तब तो देखना पड़ेगा। एक काम करो, चलो कर्नल साहब से बात करके देखता हूँ क्या हो सकता है। अरे और ये तो बहुत ही चिंता की बात है। हो रहा कर्नल साहब का घर। अरे चले कॉलिंग बेल जला, जल्दी बजा। अरे बटलू, करेंगे या मरेंगे? अरे सुबह सुबह आज आ गए हो, क्या बात है? और मैं देख रहा हूँ कि 2 चेलों को भी साथ में लेकर आए हो। आए, करेंगे या मरेंगे? हाय। अरे हाँ कर्नल साहब, एक बात पूछने आया हूँ। मैंने सुना है कि हम लोगों के जवान सारे मरे जा रहे हैं पेट्रोल टैंक के कारण, ये क्या सच है? हाँ बटलू, तुमने बिल्कुल सही सुना है, इसलिए तो मैं भी तैयार हो गया हूँ, देख लो, युद्ध पे जाने के लिए। क्योंकि करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, हाय, पता नहीं लौट कर वापस आऊंगा भी या नहीं, मगर इस टैंक के वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि करेंगे या मरेंगे। अरे ठीक है कर्नल साहब, आप टेंशन ना करो, आपके साथ मैं भी युद्ध पे लड़ने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ मैं भी चलता हूँ। बटलू, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस टैंक के सामने मुकाबला करते वक्त अपने प्राण को मत गंवा देना। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो, या करेंगे या मरेंगे। हे गुरु, अब तो बड़ा मजा आएगा, अपने शत्रु पक्ष के सामने जब टैंक जब रहेगा तो अपना बड्डू उड़ जाएगा। तो यार कितना मजा आएगा। बहुत भगर 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 बड्डू किया करता था, लेकिन जब दुश्मन, अरे यार हम लोग आजाद हो जाएंगे, हम लोग जो इच्छा वही करेंगे, अरे यार हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। आओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोच यार। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि बटलू भैया परेशान करते हैं, लेकिन युद्ध में जाकर दुश्मनों के सामने हार जाएंगे, यह बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बटलू भैया जो भी हो, हम लोग के लिए बहुत मदद किए हैं। आओ कहीं ये सोच ले। आओ अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, बट्टू भैया युद्ध में विजय प्राप्त करके आए,
अगर वो विजय प्राप्त करते हैं तो अपना देश का नाम रोशन होगा। हाँ ठीक है बच्चू बिच्चू, अरे तुम लोग घर जाओ, मैं कर्नल से बात करके युद्ध में जाता हूँ। ठीक है बटलू भैया, अरे विजय प्राप्त करके जल्दी घर वापस आएगा, हम लोग तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कर्नल साहब, नहीं यार, अरे बटलू भैया का बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हाँ आओ, नहीं नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, और ऐसा भी चिंता करने कोई बात नहीं है, क्योंकि बटलू भैया आज तक हार कर आए नहीं, देखना बटलू भैया विजय प्राप्त करके जरूर वापस आएंगे। आओ कर्नल साहब, शत्रु पक्ष के जो कर्नल है मैं उनसे पहले बात करके देखता हूँ, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग देखते हैं क्या किया जाएगा। ठीक है बटलू, तुम सावधान होकर जाना, आए समझा, तो नहीं तो करेंगे या फिर मरेंगे। याद रखना बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम बटलू है, और आप लोग हमारे देश के जवानों को बिना मतलब के मार मार कर गिरा रहे हैं। अरे इससे तो आपका भी नुकसान हो रहा है और आप लोगों का भी नुकसान हो रहा है, अरे ये सब बंद करो। अरे तुम बटलू हो या फटलू, मुझे कोई मतलब नहीं, और वैसे भी बटलू तुम यहाँ पर मुझे समझाने के लिए आए हो, बहुत बड़ी गलती कर दी बटलू। अरे कोई है, इस बटलू को टैंक में डालकर उसके ही इलाके में फेंक डालो, और ये तो वहां पहुंचेगा मगर जिंदा नहीं, राख बनकर, समझे। अरे बरखुदार, ये काम मैं ठीक नहीं किया हूँ ये तुम बोलते हो, अरे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है पर मेरे लिए तो बिल्कुल ही लाजवाब। अरे ये तो किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है बरखुदा। हम लोगों का गोला वापस हम लोगों की तरफ आ रहा है, अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ जाऊँ। अरे टैंक से गोले चढ़ाने के बजाय उसके शरीर पे जल्दी से चलाकर मार दो, अरे छोड़ना मत उसे, अरे वरना क्या घटना घटाएगा ये कोई नहीं जानता साई। अरे मैं जिंदगी में ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। अरे जवानों जल्दी से गोली चला चला कर मार डालो इस शैतान को, बहुत बड़ा अच्छा है ना? अच्छा अभी तक समझ में नहीं आया है, सब लोगो मैं अभी तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। ये कैसा इंसान है, इससे अच्छा तो गोली खाने से पहले खुद मर जाओ, हे भगवान। बचाओ इस शैतान से, आ बचाओ। अच्छी बात रुको, देखो अब मैं क्या करता हूँ, और मुझे देख कर भाग रहे हो, मैं कितना दूर भागोगे, भागो, मैं देखो घुमा घुमा कर कैसे देखता हूँ।
आई मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ, मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ, मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ, आई आई मैं कैसे निकलूँ बाहर, अरे कोई मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो, आई अरे गाँव में एक ऐसा पैकेज ट्रेन है जो हवा में उड़ रहा है। कर्नल साहब, मैंने सारे शत्रुओं को पकड़ कर लेकर आ गया हूँ, इन लोगों को जो सजा देना है दो। अब ये हम लोगों के दखल किया हुआ जमीन पर हमारे ही जवान रहेंगे, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे करेंगे या मरेंगे। अरे बटलू, मैं तुम्हें क्या बोलकर धन्यवाद दूँ, देखो हमारे सारे सिपाही तुम्हें धन्यवाद देने के लिए तैयार है। समझे बटलू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इतना अच्छा काम। कर्नल साहब, अरे ये देश के लिए मैं बहुत छोटा सा काम किया हूँ और अपनी देश के काम के लिए कोई पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं, बस ये प्यार मुझे बनाए रखें। ए देखा, हम लोग का नाम रोशन करके आ गए। आओ, बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आओ, बहुत अच्छा लग रहा है, आओ। हाँ बटलू, तुम तो ग्रेट हो, तुम लाजवाब हो, देश पे तुमको शान है। अरे बटलू समझे। अरे बटलू द ग्रेट, बटलू द ग्रेट, बटलू द ग्रेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करेंगे और लड़ेंगे। बटलू इज द ग्रेट, बटलू इज द ग्रेट, बटलू इज द ग्रेट। और एक बार सभी को बोलना पड़ेगा, करेंगे या मरेंगे, आए। करेंगे या मरेंगे, आए। तो मुझे शर्मिंदगी में डाल दे रहे हैं। अरे थोड़ा सा देश के लिए क्या काम क्या कर दिया, ये तो इतना कुछ मेरे लिए करने के लिए तैयार हो गए। अरे दोस्तों, देश के लिए तो काम तुम लोग भी कर सकते हो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही ना? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। तुम लड्डू इतना स्वादिष्ट बनाई हो ना, खा के मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आया जी? जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तब माँ मुझे ऐसे ही लड्डू बना कर देती थी और मैं खाते खाते स्कूल चला जाता था, वही याद आया। और मेरे लड्डू का स्वाद? जैसा मेरी माँ बनाती थी। सच में? क्या? हाँ सच में। क्यों, माँ की तारीफ सुनकर तुम्हें जलन हो रहा है? पागल बेटा, बहू क्यों जलेगी, बहू ही तो आके बोली है कि तेरे लिए लड्डू बनाए। बोल रही थी बहू कि तू मेरे लड्डुओं को बहुत याद करता है। रहने दीजिए माँ जी, मत बोलिए, मैं बहू हूँ ना, इसीलिए सोचते हैं कि मैं बहुत जलती हूँ। बस बस रहने दो, तुम लोगों के झगड़े कभी खत्म नहीं होगा, मेरी बात सुनो तुम। हाँ कहिए। सोच रही हूँ कि गुरुदेव को दशहरे के समय में अपने घर बुलाऊं। बोलो बेटा, बुलाऊं मैं? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव आएंगे। क्या सच में गुरुदेव आएंगे हमारे घर? हाँ हाँ हाँ, गुरुदेव आएंगे हमारे घर तो हमारा घर बहुत पवित्र हो जाएगा। सुनिए जी, जल्दी से गुरुदेव को बुलवा लीजिए। चल चल चल। ललिता माँ, मैं आ गया। अरे गुरुदेव, आइए आइए, अंदर आइए। बहू कहाँ हो, आओ, गुरुदेव आए हैं। अच्छा,
यही है तुम्हारी बहू? जीती रहो बेटी, जीती रहो। ललिता, मुझे घर में नहीं बुलाओगी? हाँ गुरुदेव, अंदर आइए आइए। सच में ललिता माँ, तुम्हारे तालाब के पानी से नहाकर मेरा थकान दूर हो गया। अब मैं पूजा कर लेता हूँ, तुम मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। तो क्या खाएंगे गुरुदेव, मोहन भोग या फल? नहीं ललिता माँ, मैं वो सब नहीं खाऊंगा। तुम मेरे लिए खीर, दूध और फल दे दो, मैं वही खाऊंगा। जाओ ललिता माँ। जी गुरुदेव, आओ बहू आओ। हाँ, ये क्या, दूध खीर फल ये सब खाएंगे? मना मत कर बेटा, जा ले आ। माँ आप मुझे लाने के लिए कह रही है, आपको पता है इसमें कितना खर्च है? हाँ बेटा समझ रही हूँ, बहुत खर्च है, लेकिन मना मत कर बेटा, गुरुदेव है ना, कुछ ही दिन तो यहाँ रहेंगे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दे बेटा। ठीक है माँ, ला देता हूँ। लक्ष्मी, रोज रोज ये दूध फल में कहाँ से लाऊं? हाँ कर्ज में डूब गया हूँ। ये क्या जी, कर्ज में डूब गए हैं? झूठ बोल रहा हूँ। आप कर्ज में डूब गए हैं, इसका मतलब मेरा क्या हालत होगा है पता है? दिन रात चूल्हे के पास बैठना पड़ेगा मुझे। गुरुदेव कब जाएंगे? इस महीने के बाद जाएंगे। इन्हें भागना होगा। चुप हो जाइए चुप हो जाइए, माँ सोई है, सुन लेंगी तो उन्हें दुख होगा। माँ तलन थेवा तलते तलते मेला हाथ दर्द हो गया, अब नहीं तलूंगा। जा बेटा और दबा दे जा। नहीं नहीं मैं नहीं दबाऊंगा दाइये। चरण सेवा, किसका चरण सेवा? गुरुदेव का और किसका, जब तक उनका चरण सेवा ना हो तब तक उन्हें नींद नहीं आती। रोज रोज मोहन उनका पैर दबाता है, क्या करूं? आये मैं कुछ सोचा हूँ, गुरुदेव को भगाना नहीं होगा, वो खुद भाग जाएंगे। सुनो क्यों, कैसा लगा? बहुत अच्छा। ठीक है तो चल फिर। बेटा मोहन क्यों रुक गए, पैर दबाओ। दबा रहा हूँ गुरुदेव। अरे मोहन बेटा इतना तेज मत दबाओ, पैरों में लग रहा है। आ तुम कौन हो? मैं इंदुत हूँ, तुझे लेने आया हूँ। मुझे? हाँ तुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, भागो यहाँ से भागो। आया।